मैं जल्दी लंच पैक कर दे वरना फिर से लेट हो जाऊंगा। बस बेटा अभी लाई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस कैमरे से दूर रहा करो। पापा मैं सिर्फ खेल ही तो रहा था। ये आपके खेलने की चीज नहीं है और घर में खिलौने कम है खेलने के लिए जो तुम इससे खेल रहे हो। क्या हो गया, सुबह सुबह बच्चे को क्यों डांट रहे हो? पूछो अपने लाडले से, खिलौनों की जगह कैमरे से खेल रहे हैं। पता है कितना महंगा है ये, अगर खराब हो गया तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? हाँ तो आप भी घर पर मत लेकर आया करें ना ऑफिस की चीजें। ये तो बॉस का एहसान है कि उन्होंने मुझे कैमरा दे रखा हुआ है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। लेकिन आपकी फैशन की जॉब की वजह से हमारा घर अच्छा खासा चल तो रहा है। तुम औरतों का यही मसला है, कम कमाओ तो प्रॉब्लम और ज्यादा कमाओ तो भी प्रॉब्लम। किसी हाल में तुम लोग खुश नहीं हो। अरे तो स्कूल को छोड़ दें आप। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आज शूट भी है। लेकिन वो पहले ही लेट हो चुका है, आपके पास बाइक है, दो मिनट में आप छोड़कर चले जाएंगे ऑफिस। दो कदम पर स्कूल है, खुद पैदल छोड़कर आ जाओ। और वैसे भी घर पे रहकर सिर्फ वजन नहीं बढ़ा रही हो। मम्मा स्कूल। चलो बेटा मैं अपने बेटे को छोड़कर आती हूँ, चलो जल्दी करो। चलो तुम चलो बाहर, मैं आती हूँ। बच्चों की जिंदगी में मुख्तलिफ लर्निंग साइकिल्स होते हैं, तो जो बच्चा 1 साल से 3 साल तक होता है तो वो सुनता है और देख के ऑब्जर्व करता है। फिर 3 साल से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो जो ऑब्जर्व किया है उसको वो वेरीफाई करता है। और फिर 6 साल से 10 साल तक का जो बच्चा होता है उसके अंदर क्यूरियोसिटी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो चीज़ों को खुद से करके और फिर उनको वेरीफाई करता है। तो ये बेसिकली एक बच्चों के अंदर ये कुदरत ने एक ऐसा एलिमेंट रखा है कि बच्चे खुद से करते हैं चीज़ों को और उसके बाद में उनको वो सेटिस्फेक्शन का लेवल मिलता है। अगेन फिर वही चीज़ आ जाती है कि जब इंसान कोई चीज़ अचीव करता है तो वो माइंड डोपामिन रिलीज करता है जिसके ज़रिए उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन पैदा होता है। तो यही वजह है कि बच्चे जो भी ऐसी चीज़ देखते हैं उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। टाइम देखो यार, अभी तो टाइम नहीं है, पता है शूट है। लो, आ गए हमारे हुनहार फोटोग्राफर जिनके बगैर हमारा कोई काम चलता ही नहीं। सर वो बेटे को स्कूल छोड़ने जाना था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर लेम एक्सक्यूजेस। सर बाय द वे ये मुस्कान है, मुस्कान ये फुकान साहब है हमारे बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर और ये मुस्कान जो है वो आज ही इस्लामाबाद से आई है। ठीक है, क्लाइंट ने डायरेक्ट अप्रोच किया था तो आपने इनका फोटोशूट किया। ठीक है, ओके सर, ओके प्लीज जस्ट कैरी ऑन, थैंक यू। हेलो मुस्कान। हेलो, हाउ आर यू? मुस्कान आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है। आए शूट करते हैं। मम्मा पापा कॉल करे ना, बहुत भूख लग रही है। बेटा मैंने उनको कॉल की थी लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, शायद ऑफिस में बिजी होंगे। मम्मा तुम्हारा कैमरा क्या बहुत कीमती है? जी बेटा। मम्मा वो कितने पैसों का है? पता नहीं लेकिन शायद हमारी औकात से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मैंने आपको मना किया ना कि उनकी चीजों को मत हाथ लगाया करो, वो गुस्सा हो जाते हैं। अरे पापा आए हैं और तुम जा रहे हो? बेटा आपने सुबह मुझे डांटा था ना। ओ ये बात है, चलो पापा आपसे कान पकड़ के सॉरी करते हैं। चलो अपना होमवर्क खत्म करो जब तक मैं खाना लगाती हूँ। अरे होमवर्क तो होता रहेगा, अभी हम बाहर जा रहे हैं खाने के लिए और मुनीत की सबसे पसंदीदा आइसक्रीम भी खाएंगे। सच में पापा? यो यस रेली, अब आप जाएं और जाके जल्दी से रेडी हो जाएं। मैंने खाना बना लिया था। तो कोई बात नहीं, खाना फ्रिज में रख दो, बाद में खा लेंगे। क्या बात है, आज आप बहुत अच्छे मूड में। आज की शूट बहुत खास थी। लेकिन सुबह तो आप बहुत डांट रहे थे और अब सुबह की बात करके मेरा मूड मत खराब करो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ।
और वैसे भी यहाँ कुछ होने वाला तो है नहीं। देखिए, हमारे ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के डिफरेंट सेल्स को मैसेजेस भेजते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, ये लव, एसोसिएशन, सोशल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो बच्चे को ज़रूरत है माँ बाप का प्यार। अब अगर वो माँ बाप का प्यार उसको उस एज में नहीं मिलेगा तो उसके अंदर उस केमिकल की कमी आएगी, जिसकी वजह से, उस कमी के होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फिर वो उस बच्चे की ज़िंदगी में आना शुरू होंगी। चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, बच्चा जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पैदा होती है। अब बच्चे की उस बेसिक नीड को एड्रेस करने के बजाय जो उसके अंदर खामियां पैदा हो रही हैं, लोग उसको सरफेस यानी उसके जो सिम्टम्स हैं उसको देखते हैं और उस पर कंप्लेन करते हैं, बजाय इसके जो रूट कॉज है उसको इरेडिकेट किया जाए।